दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो बहुत खास है। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक के विषय में बताऊंगा जिससे इजराइल ने अपने आप को पूर्ण रूप से एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। जी हां, उससे पहले मैं यशराज आनंद सोशल ग्लोबल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन इस बार जो युद्ध हो रहा है यह जरूर कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध को लेकर सामने आ सकती है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ जिसके तकनीक के विषय में मैं आपको बताया, आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा इजराइल ने अपने आप को सुरक्षित रखा है। फिलिस्तीन बार बार रॉकेट से हमला किए जा रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम फिलिस्तीन के रॉकेट को आसमान में ही उड़ा देता है। इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो के साथ मैं आपके पास आ सकूं और आप पूर्ण जानकारी ले सकें। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध से एक नई तकनीक का पता चला है विश्व को। यह तकनीक है आयरन डोम। इस आयरन डोम का इस्तेमाल सर्वप्रथम इजराइल ने किया और इसका निर्माण भी इजराइल ने किया है। आइए जानते हैं इस आयरन डोम के विषय में। आयरन डोम एक ऐसा तकनीक है जिसका आवरण इजराइल अपने पूरे देश पर लगा चुका है। इसको एक्टिव करने से दुश्मन यदि कोई भी रॉकेट हमारे देश में छोड़ती है तो वह रॉकेट को आयरन डोम तकनीक हवा में ही नष्ट कर देती है। आइए जानते हैं इस तकनीक के विषय में कुछ विशेष बातें। इजराइल का आयरन डोम एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे खास तौर पर कम दूरी वाले रॉकेट हमले से बचाने के लिए बनाया गया है। 70 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम किसी भी तरह के मौसम में हमला करने में सक्षम है। सबसे पहले इस डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने मार्च 2011 में वेरशेवा शहर में लगाया था। ये शहर गाजा पट्टी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद फिलिस्तीन से लगी सीमाओं पर इसको लगाया गया। इजरायली सेना ने कुल 13 जगहों पर आयरन डोम की तकनीक लगाई है जो उसे छोटी दूरी के रॉकेट हमलों से बचाती है। 70 किलोमीटर तक की दूरी से हुए दुश्मन के हमले को आयरन डोम के ट्रैकिंग रडार हवा में ही पकड़ लेते हैं। मॉनिटरिंग यूनिट रॉकेट की दिशा का पता लगाती है और फायरिंग यूनिट उस पर हमला कर देती है। इजरायली सेना के मुताबिक 80-90% मामलों में डिफेंस सिस्टम कामयाब रहता है। एक बार के हमले में इसका खर्च करीब $50,000 के करीब आता है। एक आयरन डोम फायरिंग यूनिट में 30 मिसाइलें होती है। इस आयरन डोम तकनीक के द्वारा इजराइल अपने देश के वासियों को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, और इजराइल अपना हमला काफ़ी अच्छे तरीके से फिलिस्तीन पर कर रहे हैं जिससे फिलिस्तीन कुछ आबादी बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है।